हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम मोटो सी प्लस का गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि इस फोन के अंदर जो हार्डवेयर है वो उतना कुछ स्ट्रांग हार्डवेयर नहीं है, फिर भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीनों गेम्स जो कि मॉडल कॉम्बैट 5, एस्पार्टेट और मॉडल कॉम्बैट एक्स, ये तीनों गेम कैसे चलता है आज इस वीडियो में हम इस फोन में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरल केस में तो मैं ये इस तरह का वीडियो बनाता नहीं हूँ, फिर भी इस वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो फोन है ये काफी नया नया लॉन्च हुआ है और इसमें जो हार्डवेयर है उतना कुछ खास है भी नहीं, फिर भी हम देखेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे मॉडल कॉम्बैट 5 से। तो ये जो गेम है ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, इस फोन के लिए मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो पहले बना दिया है, तो आप उसे देख सकते हो। और अभी इस वीडियो में मैं इसका गेमिंग रिव्यू पहले थोड़ा कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग काफी बढ़िया तरीके से हुआ है। मुझे जो लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा 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 लैग हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है, पर आराम से ये गेम चल सकता है। पर इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है, पता नहीं इसमें हीट होता है या नहीं होता है, अब ये भी देखेंगे। अभी जो टेम्परेचर है, अगर मैं अपने हाथ से बात करूं तो ठीक ठाक लगता है मुझे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें जो मॉडर्न कॉम्बैट 5 है इसमें लैग कम है, थोड़ा लैग हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा उतना अच्छी तरह से कि लैग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा लैग हो रहा है। तो ये गेम को तो हम देख चुके हैं, और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं इसे स्टॉप नहीं किया। अब देखते हैं इसमें जो रैम मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कितना अच्छी तरह से काम करता है। अब इसमें मैं एस्पार्टेट को चलाने वाला हूँ, देखते हैं एस्पार्टेट कैसे चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोडिंग का लोगो है यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा अटक अटक के चल रहा है ये उतना स्मूथ चल नहीं रहा है, फिर भी अब गेम में कैसा होता है यही देखने वाली बात है। तो दोस्तों, ये जो जा रहा है ये उतना स्मूथ नहीं जा रहा है, बहुत थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। दोस्तों, जब मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं तब मुझे लैग उतना कुछ नजर आ नहीं रहा है, पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर कभी कभी लैग हो रहा है, कभी कभी लैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने गाड़ी को तोड़ दिया, ठीक है। तो अब मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूं। अब मैं रैम मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करूंगा कि जब मैंने मॉडर्न कॉम्बैट 5 को मिनिमाइज किया था, क्या वो मिनिमाइज कंडीशन में है या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये मिनिमाइज कंडीशन में है, तो मतलब मैं इसे ये कह सकता हूं कि इसका रैम मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मिनिमाइज सिस्टम में है, पर मैं एक बात कहूंगा कि जो लोडिंग का टाइम है वो थोड़ा ज्यादा ले रहा है। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर एस्पार्टेट को करता हूं, अब देखते हैं। नहीं, एस्पार्टेट बहुत तेजी से खुल गया क्योंकि मैंने मॉडर्न कॉम्बैट 5 को खेला नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों गेम को मिनिमाइज करके मैं मॉडल कॉम्बैट एक्स को चालू करूंगा। ये भी काफी बड़ा गेम है, शायद आपने खेला होगा तो पता है आपको। अगर ये ठीक से चल जाता है, ठीक ठाक चल रहा है, मतलब गेमिंग में ये फोन उतना कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, पर ठीक ठाक चलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक ठाक है। दोस्तों, अगर मैं फोन की हीटिंग की बात करूं तो हाथ में ये जो फोन है ये थोड़ा मुझे गर्म लग रहा है। मैंने तीन गेम को खेला है, तीनों को मिनिमाइज करके रखा है, सॉरी मैंने दोनों को मिनिमाइज किया, एक को ओपन है, तो थोड़ा गर्म मुझे फोन में लग रहा है।
अगर हाथ देके मैं बात कहूँ तो फोन थोड़ा गर्म मुझे लग रहा है। तो अगर आप इस फोन में ज्यादा टाइम तक गेमिंग करने वाले हो तो ये फोन मुझे लगता है बहुत ज्यादा हीट होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी एक बेसिक फोन है, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब अगर इसमें अगर मोटोरोला ने स्नैपड्रैगन का 435 डाला होता तो पता नहीं क्या होता। मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर आप इस फोन से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है। और ये जो फोन है दोस्तों ये मेनली बैटरी बेस्ड फोन है। जैसे कि अगर इसमें बैटरी की बात करूं, ये इसमें आपको 4000 एमएएच का बैटरी मिलता है जो कि काफी बड़ा बैटरी है। उतना हिसाब से इसके जो परफॉर्मेंस है ये कुछ ज्यादा मुझे लगा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे गेम के अंदर ज्यादा कुछ लैग दिखने को नहीं मिल रहा है, पर जो सिनेमैटिक्स का पोर्शन था वहां पे मुझे थोड़ा लैग महसूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों ये गेम को मैं थोड़ा खेला। अब मैं यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को फिर से चेक करूंगा कि यहाँ पे मॉडर्न कॉम्बैट 5 कैसा है, किस कंडीशन में। तो दोस्तों ये जो गेम है बंद हो चुका है, आप देख रहे हो कि ये जो गेम है पूरी तरह से बंद हो चुका है, फिर से शुरू हो गया है। ठीक है अब इस गेम को हम छोड़ देंगे और एक्सपायर डेट को देखेंगे कि यह चालू है या बंद हो चुका है। नहीं ये गेम अभी चालू है। तो इसका रैम मैनेजमेंट सिस्टम मुझे ठीक ठाक लगा है, कुछ खास है नहीं फिर भी चल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों, ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने बनाया है गेम के ऊपर कि गेम कैसा ये फोन हैंडल कर सकता है। तो इस तरह का वीडियो मैं जनरली बनाता नहीं हूँ, मैं जिस तरह का वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन और कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आजकल बनने लगा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं साफ करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो इस फोन से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास जो बेल का आइकन रहता है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।